मुजफ्फरनगर जनपद के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसएसपी अभिषेक यादव के नेतृत्व में जिले की पुलिस का बदमाशों पर ऑपरेशन क्लीन जारी है। पिछले 48 घंटों में पुलिस ने 3 थाना इलाकों में 4 मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 बदमाश गोली लगने से घायल होने के बाद गिरफ्तार हुए। दरअसल मंगलवार की दोपहर को चेकिंग के दौरान बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के क्राउन कॉन्वेंट स्कूल रोड पर पुलिस की बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में बदमाशों की गोली लगने से एक सिपाही रोहित भी घायल हो गया, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई से घेराबंदी के दौरान गौ तस्कर बदमाश रिहान भी घायल हो गया है, जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, कई कारतूस के साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। वहीं घायल बदमाश के खिलाफ गैंगस्टर गौकसी हत्या व लूट के दर्जनों मुकदमे विभिन्न थाना इलाकों में दर्ज हैं। सिपाही व बदमाशों को उपचार के लिए सीएससी में भर्ती कराया है। जब इस संबंध में सीओ विनय गौतम से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस नाकाबंदी करते हुए बैंक चेकिंग कर रही थी, तो उसी समय इंस्पेक्टर मनवीर सिंह गिल को सूचना मिली कि 2 लड़के मोटरसाइकिल पर तेजी से निकले हैं। पुलिस के ना रोकने से भी ना रुके जिनका पीछा किया गया, तो जिसमें उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए बदमाशों पर फायर किया, तो एक बदमाश घायल हुआ जिसमें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दूसरा बदमाश फरार हो गया है। सर, बुढ़ाना पुलिस और गोकसों की मुठभेड़ हुई है, क्या है मामला? आज सुबह जब अपनी ड्यूटी कर रही थी, नाकाबंदी लगाकर बैंक चेक कर रही थी, उसी में सूचना प्राप्त हुई इंस्पेक्टर साहब को, इंस्पेक्टर बुढ़ाना को, कि 2 लड़के मोटरसाइकिल पे तेजी से निकले हैं और पुलिस के रोकने पर रुके नहीं है, तो उन लोगों को चेस किया गया, उनको रोका गया, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा हेतु फायर किया, तो एक लड़का बदमाश घायल होकर पुलिस की गिरफ्तारी में आ गया है, दूसरे की तलाश जारी है। जो गिरफ्तार हुआ है उस लड़के का नाम रिहान बाबू कुरैशी है, जो नगला का थाना रतनपुरी का रहने वाला है। इसके ऊपर जानकारी की गई तो कई मुकदमे चल रहे हैं और पैपुर में भी वो बुढ़ाना से भी बंद हुआ है और एक मुकदमा उसका ट्रायल पे भी चल रहा है, जिसमें काफ़ी गवाही पूरी हो चुकी है, पहले से भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है और दूसरे साथी की तलाश की जा रही है, इनके खिलाफ पूरी विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्या बरामद हुआ सर? उसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और एक बाइक। ब्यूरो रिपोर्ट, मुजफ्फरनगर।